जैसे मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम है एक जिसका नाम है गीबत। गीबत क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गीबत? गीबत, गीबत क्या है मालूम है? गीबत है किसी की बुराई करना उसके पीठ के पीछे, उसके पीठ के पीछे उसकी बुराई करना। मतलब जैसा मतलब उसकी बुराई करना, मतलब जैसा वो जब नहीं रहा तब अपन बुराई करते तो उसकी बुराई करें। हाँ। जैसे मिसाल के तौर पे नफीस। हाँ, कोई अगर तुम्हारे पीछे बोले नफीस है ना, इतना ऐसा ऐसा बच्चा है, या युसरा के बारे में कोई बोले पीछे, पता है युसरा है ना, ऐसी ऐसी गर्ल है, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। आपके सामने कोई करे तो अच्छा लगेगा आपको, और पीछे करे तो और बुरा लगेगा। हाँ, क्योंकि पीठ पीछे कोई बुराई कर रहा है तो ये क्या है? गीबत। गीबत। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इंसान का गोश्त खाना पसंद करेंगे? हाँ, मरे हुए भाई का वो भी। हाँ, गीबत क्या है? वला यगतब बादुकुम बादा, तुम में से कुछ लोगों को दूसरों की गीबत नहीं करना चाहिए। तो रोजा रखें और साथ में गीबत करें तो क्या है ये? रोजा, रोजे में खाना पीना अलाउड है? नहीं। रोजे में खाना पीना अलाउड है? नहीं। रोजे में इंसान का गोश्त खा सकते? इंसान का नहीं। भाई का वो भी मरने के बाद? हाँ, खा सकते हैं। इंसान का गोश्त खा सकते हैं रोजे में? और बुरी बात है कि नहीं है? तो रोजा रख के गीबत करें तो क्या है, हमारा रोजा टूट जाता है? खराब, टूटता नहीं है लेकिन खराब हो जाता है। रोजा तो टूटेगा नहीं लेकिन सवाब उसका खराब हो जाएगा। हाँ, हम लोगों को सवाब चाहिए ना, हमें ईमान है, इबादत है, हमें क्या चाहिए? तकवा चाहिए। तो तकवा हासिल करने में क्या हुआ, ये प्रॉब्लम आ गया। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।